नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। गोविंदा बॉलीवुड के जाने माने एक्टर हैं। लंबे समय से वो अपने दर्शकों का मनोरंजन करते आ रहे हैं। समय बदला है तो गोविंदा भी अपना अंदाज बदलते हुए ओटीटी की ओर रुख कर रहे हैं। गोविंदा बॉलीवुड में काफी लंबे समय से हैं और उन्होंने इंडस्ट्री में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, जिसके बारे में खुलासा उन्होंने अपने हालिया इंटरव्यू में किया। गोविंदा ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो भी भाई भतीजावाद यानी नेपोटिज्म का शिकार हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि मैंने अमिताभ बच्चन को भी संघर्ष करते देखा है। वो जब मंच पर आए तो फिल्म इंडस्ट्री के लोग वहां से चले गए। अगर मुझे उनका समर्थन करने की सजा मिली तो पता नहीं, उन्हें इस नेपोटिज्म उसे आजाद कर दिया गया, लेकिन इसके बदले मुझे पकड़ लिया गया। गोविंदा ने इस इंटरव्यू में निजी जिंदगी को लेकर भी हैरान कर देने वाले खुलासे किए। गोविंदा से पूछा गया कि द कपिल शर्मा शो में कृष्णा अभिषेक आपका मजाक क्यों उड़ाते हैं। इस पर एक्टर ने कहा कि मैं सच में नहीं जानता कि कौन उससे ये सब करवा रहा है, वो एक अच्छा लड़का है, ऐसे करके वो मेरी छवि खराब कर रहा है। जो भी इसके पीछे है, हम उसे ऐसा करते हुए देख रहे हैं। इसके अलावा गोविंदा ने अपने फिल्म करियर को लेकर भी बात की। उन्होंने बताया कि वो जल्द ओटीटी प्लेटफॉर्म पर डेब्यू करने वाले हैं। गोविंदा ने बताया कि वो इन दिनों 3 से 4 स्क्रिप्ट्स पढ़ रहे हैं और बस उन्हीं में से कुछ को फाइनल करना बाकी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताजी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट नाइन लाइव के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें।